हमेशा दियोल और आप इंडिया टीवी पर देख रहे हो शोबिज। जी पहले तो थोड़ा वक्त लगा यकीन होने के लिए कि एक दुआ हैज़ वन एट द नेशनल अवार्ड और इस किस्म का सम्मान मिलना बहुत बड़ी बात होती है। और फिर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि मैंने जब इस फिल्म को बनाया मैंने कुछ तो सही किया कि इस लेवल पर हमें सम्मानित किया जा रहा है इस फिल्म को। कि पेरेंट्स तो जब कोई भी बच्चा कुछ अच्छा करे तो पेरेंट्स को हमेशा खुशी तो होती है और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है जो भी मैं करती हूँ, तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है। वो सीन का सीन, सब सीन तो अच्छे थे, फिल्म बहुत अच्छी थी, पापा ने मस्त काम किया है और बहुत ही इमोशनल लगा उनका परफॉर्मेंस, एंजॉय किया काफ़ी उस फिल्म को देखते हुए भी। और गदर की बात करें तो गदर ने तो पूरा सब जगह आई थिंक गदर मचा दिया है, सिंगल स्क्रीन से लेकर मल्टीप्लेक्सेस एवरीवेयर जो फिल्म को लेकर ऑडियंसेस का रिएक्शन रहा है वो बहुत ही अच्छा है। जी पहले बात तो ये कहूँगी कि जब मैंने स्क्रिप्ट सुना एक दुआ का, मुझे खाली उसमें एक एक्टिंग के लिए अप्रोच किया था, लेकिन मैंने कहा कि मुझे इस फिल्म को बनाना है, मुझे इस फिल्म को प्रोड्यूस भी करना है, क्योंकि मैं इस बात को लेकर बहुत सालों से हमें लगता है कि जितने आवाज़ उठे उतना कम है, तो मैं अगर एक एक्ट्रेस बनकर या एक प्रोड्यूसर बनकर इस फिल्म्स एक बहुत ही बड़ा मीडियम है ऑडियंसेस को लेकर, तो फिल्म बनाकर अगर मैं लोगों को कुछ ना कुछ जगा सकूं उनके दिलों में, जी बिल्कुल जागरूक कर सकूं उनके दिलों में इस बात को लेकर, तो क्यों नहीं। तो मैंने कहा कि मुझे ही ये फिल्म बनाना है और मैं ही इसमें एक्ट करूँगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे दिल के, आई थिंक मेरे सिर्फ मेरे नहीं हज़ारों लाखों लोगों के दिलों में ये सब्जेक्ट को लेकर बहुत एक अफसोस भी होता है प्लस क्रोध भी होता है, अलग अलग इमोशंस है। तो मेरा ये एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है इतना बड़ा कॉज को लेकर। इसे कहते हैं नारी शक्ति। हाँ नारी क्या नहीं कर सकती है, आई थिंक विमेन आर द बेस्ट मल्टी टास्कर्स, एक साथ 4-5 काम कर लेती हैं, है कि नहीं। प्रेशर तो चालू ही रहता है, प्रेशर कुकर साइड में चलते रहता है, लेकिन उसको अगर हम इम्पोर्टेंस दे तो हमें जो करना है उस पर ध्यान देना बेटर है, राइट। धर्म जी और आपकी मम्मी तो ज़रूर, और मेरी नानी, मम्मी तो बहुत सिखाते थे मम्मी, लेकिन एक मम्मी के साथ हमारा रिश्ता बहुत फ्रेंडली हो गया था, तो बेस्ट फ्रेंड्स जैसे। लेकिन डर जो होता है कि अरे, और घर में भी हम जब छोटे थे सब बोलते थे ये किया तो पापा को बोलेंगे, पापा को, तो पापा के नाम से सब डरते थे। जी गदर तो बहुत अच्छा चल रहा है, फिल्म अभी भी चल रही है, सुपर 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 हिट है। और देखिए जो फोटो हुआ या वीडियो हुए, वीडियोस लिए गए उस दौरान, एकदम ऑर्गेनिकली हुआ, कोई प्लान नहीं था कि जो हुआ उस दिन, लेकिन फैंस को, लोगों को हमें इकट्ठा देकर एक अच्छा इमोशनल फील हुआ। जी पसंद तो करेंगे क्यों, लेकिन हमारा जो फैमिली है हम काफ़ी प्राइवेट रखते हैं, पर्सनल लाइफ इज़ पर्सनल लाइफ। जी मैं आने वाला, तो अभी मैंने एक फिल्म है जिसका नाम है मैं, अमित साध है उसमें, अभी हमने शूटिंग ख़त्म किया है उसका, तो डबिंग पोस्ट प्रोडक्शन वो सब अभी चालू होगा, और एक अच्छे स्क्रिप्ट्स
जो मैं चाहती थी हमेशा वो आने लगे हैं मेरे पास, अच्छे स्टोरीज़ जिसमें मुझे एज एन आर्टिस्ट परफॉर्म करने में मज़ा मिले। तो जो आने वाले प्रोजेक्ट्स है दैट बाय द एंड ऑफ द ईयर आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन।